पॉलीविनाइल क्लोराइड के एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं जो जो पेपर में आएंगे। पीवी पॉलीविनाइल इज़ द पॉलीमर ऑफ विनाइल एसिटेट विनाइल क्लोराइड, तो है आंसर विनाइल क्लोराइड। देखो ये फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CaCl। फिर बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड विनाइल क्लोराइड पॉलीमर्स टू। अच्छा जी ये बड़ी अच्छी, इसका आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर, एक ऑप्शन है इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल केबल, बिल्कुल जी। द मैनुफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिल्कुल जी। फिर ऑप्शन CS सूट केस कवरिंग। तो देखें ए बी एन सी तीनों ही बातें हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ए बी एन सी। नायलॉन की MCQs है, नायलॉन इज मेड ऑफ डाई अमाइंस एंड डैश विच कैन बी सिंथेटाइज फ्रॉम कोल वेव्स एन आर डैश, तो करेक्ट आंसर होगा डाई बेसिक एसिड। फिर इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नायलॉन, तो नायलॉन इज द टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच अमाइड लिंकेजेस CONH होल्ड द चेन टूगेदर। नायलॉन 6.6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एक्सामिथाइलिन डायमाइन विथ टू अमाइनो ग्रुप एंड एडिबिक एसिड। चेजोन डायोक कार्बोजेलिक एसिड विथ हेक्सेन डायोक एसिड, ठीक है, विथ टू कार्बोनाइल ग्रुप। फिर द नेम नायलॉन इज 6.6 इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट बोथ टू कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स ईच। एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अमाइड लिंकेज ऑल ऑफ दिस, तो जनाब ऑल ऑफ दिस और नायलॉन ये एक साथ दो जगहों पे डिस्कवर होता, न्यूयॉर्क और लंदन, इसलिए इसको नाम देते हैं नायलॉन। अब है भाई बैकलाइट के MCQs। बैकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और वो होते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बैकलाइट इज यूज टू मेक, ये बड़ी है MCQs है, बटन बिल्कुल जी, स्विचेस बिल्कुल जी, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स एन कैमराज बिल्कुल जी, रेडियो एंड टेलीफोन कंपोनेंट बिल्कुल जी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीस। इसके बाद इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक, ऑप्शन ए प्लास्टिक एंटायरली कंसिस्ट ऑफ हाई मॉलिक्यूल कंपाउंड्स पॉलीमर वेरियस कंपोजिट आयन आर यूज बाय मिक्सिंग द पॉलीमर विथ फिलर्स प्लास्टिसाइड, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ पॉलिश प्लास्टिसर रेड्यूसेस द ब्रिटलनेस एंड इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी फिलर यूजेस इंक्रीज द मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक एंड मेक द सॉल्विंग EIF मोर इजिली पॉलीमर। वेरियस फिलर्स विच आर यूज आर फोर्ट फ्लोर सॉडस्ट। फिर डी में प्लास्टिक्स आर जनरली टफ रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कली, ये अहम बात है, एंड नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल जी, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी बातें ट्रू है और ये MCQs बहुत बार पेपर जी। पॉलीविनाइल एसिटेट के MCQs देखो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीविनाइल इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल एसिटेट, ये फार्मूला होता है, देखो कभी तो आ जाएगा के विनाइल एसिडेट का फार्मूला, तो CH2 डबल बॉन्ड CHO फिर CO फिर CH3, ठीक है जनाब ध्यान में रखिएगा। और पॉलीविनाइल एसिडेट इज यूज इन ऑप्शन ए द मैनुफैक्चर ऑफ चिंगम, ऑप्शन बी द वाटर प्रूविंग ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन सी बोथ ए एन बी, तो करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एन बी, ऊपर वाले का भी सी है और इसका भी सी है।